गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, हम इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे थे और इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एडिटिंग करना सिखाया था ना कि हम एडिटिंग कैसे करते हैं। तो एडिटिंग आप सीख चुके हैं। एडिटिंग में हमें क्या करना होता है कि कुछ मिस्टेक्स होती हैं पैराग्राफ में जिन्हें हमें करेक्ट करना होता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हम सीखेंगे आज, वो हम सीखेंगे ओमिटिंग। क्या सीखेंगे? ओमिटिंग। अब ओमिटिंग क्या होती है? ओमिटिंग इज अ स्टेज ऑफ द राइटिंग प्रोसेस इन विच अ राइटर फेल्स टू इंक्लूड और मेंशन प्रीपोजिशन आर्टिकल कंजक्शंस टेंसेस प्रोनाउंस मॉडल वर्ब्स एक्सेट्रा। देखिए, ओमिटिंग में क्या होता है, जैसे आपको कोई पैसेज गिवन है और उस पैसेज में कुछ वर्ड्स मिसिंग होते हैं। क्या होते हैं? कुछ वर्ड्स मिसिंग होते हैं। अब जैसे जो राइटर है वो या तो प्रीपोजिशन लगाना भूल गए, है ना, तो जैसे वो प्रीपोजिशन लगाना भूल जाते हैं या फिर आर्टिकल लगाना भूल जाते हैं या फिर कंजक्शंस लगाना भूल जाते हैं। टेंस में कोई जैसे हेल्पिंग वर्ब लगाना वो भूल गए, तो उसको आपको लगाना होता है। मीन्स इसमें वर्ड मिसिंग होता है जिसे आपको क्या करना होता है, इंक्लूड करना होता है, ऐड करना होता है, ठीक है। और एडिटिंग में क्या था कि आपको कुछ मिस्टेक्स होती हैं, उन मिस्टेक्स को सही करना होता है। इसमें मिसिंग होता है, मिसिंग वर्ड आपको ऐड करना होता है। तो चलिए, इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, उसके थ्रू हम समझते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। देयर इज वन वर्ड मिसिंग इन ईच लाइन इन द पैसेज गिवन बिलो। देखो, ये आपको एक पैसेज दिया है और इस पैसेज में कहीं ना कहीं हर एक लाइन में एक वर्ड क्या है, मिसिंग है। एक वर्ड है मिसिंग, जैसा आप देख सकते हैं जैसा स्लैश लगा हुआ है ना, वहाँ पर वर्ड मिसिंग है। यहाँ पर आपको एक न्यू वर्ड ऐड करना है। द प्लेस वेयर द वर्ड इज मिसिंग हैज़ बीन मार्क्ड विद अ स्लैश। अब जहाँ पर वर्ड मिसिंग है वहाँ पर आपको मेंशन कर दिया गया है स्लैश से। राइट द मिसिंग वर्ड इन द स्पेस प्रोवाइडेड। अब जो आपको मिसिंग वर्ड है वो यहाँ लिखना है, ठीक है। देखिए, आफ्टर द होली मैन हैड स्पोकन ब्लैंक रामा, द होली मैन, सॉरी, मतलब जो एक पवित्र आदमी था उसने रामा से कहा था, तो हैड स्पोकन टू रामा, है ना, हैड स्पोकन रामा नहीं, हैड स्पोकन टू रामा। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम बच्चों, टू। ही टोल्ड रामाज मदर दैट, उसने रामा की माँ से कहा कि, अब यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर लिया गया है, तो सब्जेक्ट क्या आएगा, ही, क्योंकि किसने कही है, मतलब ही आएगा। रामा शुड बी सेंट टू प्रे ब्लैंक द काली टेम्पल एट द विलेज। मतलब रामा को विलेज में जो काली टेम्पल है वहाँ पूजा करने के लिए भेजा जाना चाहिए। अब सेंट टू प्रे, कहाँ, काली मंदिर में, तो काली मंदिर में कि हम क्या लगाएंगे, इन या फिर एट, क्या यूज़ करेंगे, इन या फिर एट, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, इन या एट। ही प्रोमिस्ड ब्लैंक गुड लेडी, मतलब उसने प्रोमिस किया। अब यहाँ पे कोई मिसिंग वर्ड है, तो देखो यहाँ पे कोई डिटरमाइनर की मिस्टेक होगी, आ गुड लेडी आ सकता है, एन गुड लेडी, एन तो हम नहीं लगाएंगे, आ और दा में से एक आएगा, बट ये देखना है कि एक पर्टिकुलर लेडी की बात हो रही है ना, रामा मदर की तो ये बात हो रही है, एक पर्टिकुलर लेडी है, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, द गुड लेडी दैट इफ दिस वॉज डन, मतलब कहा कि ऐसा, दिस वॉज डन, इफ दिस वॉज डन, अगर ऐसा हो गया, काली द गॉडेस, मतलब जो काली भगवान है, जो देवी है, सॉरी भगवान ने, मतलब आई मीन जो देवी है, ब्लैंक अपियर, टेक पिटी ऑन हिम एंड ब्लेस ब्लैंक, मतलब जो काली देवी है उन्होंने उस लेडी से प्रॉमिस किया कि अगर ऐसा हो गया तो जो काली देवी है वो खुद आएंगी, तो वुड अपियर, वो खुद आएंगी, वुड अपियर, प्रकट होंगी, टेक पिटी, उस पर दया दिखाएंगी, टेक पिटी ऑन हिम, मतलब उस पर दया दिखाएंगी, एंड
और उसे आशीर्वाद देंगी और उसे आशीर्वाद देंगी तो उसे आशीर्वाद देंगी तो ब्लेस उसे की हिम। आप ये देखो हिंदी बनाते जाओगे वैसे वैसे आपको वर्ड समझ में आते जाएंगे कि क्या वर्ड मिसिंग है। एंड ब्लेस तो यहाँ पे क्या आएगा, हिम। देन ऑल हर वरीज वुड ओवर। अब देखो वुड के बाद कोई ना कोई वर्ब आएगी, वुड के बाद क्या आएगी, कोई ना कोई वर्ब, लेकिन ओवर इज नॉट अ वर्ब, ओवर तो वर्ब नहीं है, तो वुड के बाद हम क्या यूज़ करेंगे बच्चों, बी। जब कोई वर्ब नहीं होती है ना तो हम बी यूज़ कर लेते हैं, जैसे आई विल बी, तो इसी तरीके से देन ऑल हर वरीज वुड बी, तो यहाँ क्या आएगा, बी ओवर। तो उसकी जो सारी चिंताएँ हैं, जो सारी उसकी चिंताएँ वो क्या हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी, ठीक है, ख़त्म हो जाएंगी। तो आपको ये समझ में आया पैसेज, और आपने देखा कि किस तरीके से वर्ड्स मिसिंग होते हैं, तो हम कैसे क्या क्या वर्ड्स मिसिंग हो सकते हैं, प्रीपोजिशन की भी मिस्टेक हो सकती है, जो एडिटिंग में मिसिंग होते हैं वही ओमिटिंग में होते हैं। एडिटिंग में तो आप जो एडिट करते हैं वही ओमिटिंग में मिसिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे प्रीपोजिशन हो सकता है, प्रोनाउन की मिस्टेक हो सकती है, आर्टिकल डिटरमाइनर्स की मिस्टेक हो सकती है, कंजक्शंस की मिस्टेक्स हो सकती है, टेंस की मिस्टेक हो सकती है, मॉडल वर्ब्स की मिस्टेक हो सकती है। तो ये मिस्टेक्स आपको ध्यान में रखनी है और उन्हीं मिस्टेक्स को करेक्ट करना है। अब यहाँ पे तो मिसिंग है तो मिसिंग आपको ऐड करना है, कोई ना कोई वर्ड ऐड करना है। चलिए अब लेट्स प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स प्रैक्टिस। देयर इज वन वर्ड मिसिंग इन ईच लाइन इन द पैसेजेस गिवन बिलो। अब यही है, कुछ पैसेज गिवन है उनमें आपको मिसिंग वर्ड है और जहाँ पर मिसिंग वर्ड है वहाँ स्लैश बना हुआ है। तो फर्स्ट देखिए, वंस देयर वॉज अ किंग स्लैश हैड अ वेरी प्राउड। देखिए वंस देयर वॉज अ किंग, मतलब एक बार की बात है, एक राजा था, उसके बाद हम लिखते ना हु हैड अ वेरी प्राउड, मतलब जिसके पास थी वेरी प्राउड, वेरी प्राउड प्रिंसेस, क्या है वेरी प्राउड प्रिंसेस, तो यहाँ पे तो हु आ गया, हु हैड अ वेरी प्राउड प्रिंसेस, मैनी प्रिंस केम टू मैरी हर, शी रिफ्यूज, मतलब कई प्रिंसेस उससे शादी करने आते थे, शी रिफ्यूज टू गेट मैरिड, तो वो मना कर देती थी, तो क्या आएगा यहाँ पे, लेकिन वो मना कर देती थी, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, बट शी रिफ्यूज टू गेट मैरिड टू, उनमें से किसी से भी, मतलब बहुत सारे राजा उनके पास आते थे उनसे शादी करने के लिए, लेकिन वो उनमें से किसी से भी शादी करने के लिए राज़ी नहीं होती थी, सबको वो मना कर देती थी, तो यहाँ पे क्या आएगा, एनी ऑफ देम, मतलब उनमें से किसी से भी वो शादी करने के लिए राज़ी नहीं होती थी, हर को मना कर देती थी। शी सेड शी वुड, अब उन्होंने कहा कि वो शादी करेंगी, क्योंकि यहाँ पे शादी की ही बात चल रही है, तो शी वुड मैरी, यहाँ पे क्या आएगा मिसिंग वर्ड में, यहाँ पे मिसिंग वर्ड क्या है, मैरी। ओनली दैट मैन हु कुड कट द हेयर, मतलब वो उसी आदमी से शादी करेंगी, हु कुड कट, जो काट सकेगा, हु कुड कट, जो काट सके, क्या काट सके, द हेयर ब्लैंक सिक्स ब्यूटिफुल गर्ल्स, मतलब छह सुंदर लड़कियों के बाल, तो के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ऑफ, द हेयर ऑफ सिक्स ब्यूटिफुल गर्ल्स, ओके, एंड ब्रिंग दिस टू ब्लैंक एज अ गिफ्ट, और उसके पास एक उपहार के रूप में वो लेकर आए, तो ब्रिंग दिस टू उसके पास, मतलब हर, उसके लिए तो हम शी है तो उसके लिए हर यूज़ करेंगे, हर। दिस वॉज एन एक्सट्रीमली ब्लैंक कंडीशन टू फुलफिल, अब ये क्या थी, ये बहुत
डिफ़िकल्ट कंडीशन थी पूरा करना, क्योंकि 6 सुंदर लड़कियों के बाल काटना और वो सुंदर लड़की अपने बाल कैसे कटवा लेंगी, तो ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है इसको पूरा करना। तो क्या आएगा, दिस वॉज एन एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट कंडीशन टू फुलफिल। इसके लिए थोड़ा सा आपको माइंड चलाना होगा, वर्ड्स जितने ज़्यादा वर्ड्स आपके पास होंगे आप उतना ही इनमें ऐड कर पाएंगे, है ना, आपको पता होगा। दिस वॉज एन एक्सट्रीमली, तो यहाँ क्या आएगा, डिफ़िकल्ट कंडीशन टू फुलफिल। ओके, तो ये कुछ वर्ड्स इसमें मिसिंग थे जो आपने फाइंड आउट किए। तो आपको ओमिटिंग करना समझ में आया कि ओमिटिंग कहते किसको है। ओमिटिंग में यही है कि आपको मिसिंग वर्ड होता है, मतलब पैसेज में कोई ना कोई मिसिंग वर्ड होता है जिसे आपको फिल करना होता है, ठीक है। और एडिटिंग में क्या है, पैसेज में गलतियाँ होती हैं जिसे आपको केवल सही करना होता है। ओके, इन दोनों में आप डिफरेंस रखिएगा, क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एडिटिंग का मतलब क्या होता है, ओमिटिंग का मतलब क्या होता है। तो कंफ्यूज होना नहीं है, ध्यान से समझना है। चलिए अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर का, क्रिसमस इज अ क्रिश्चियन ब्लैंक विच, मतलब जो क्रिसमस है वो किसका, क्रिश्चियंस का क्या है, फेस्टिवल है ना। तो क्रिसमस इज अ क्रिश्चियन फेस्टिवल विच सेलिब्रेट्स द बर्थ ब्लैंक जीसस क्राइस्ट, मतलब जो क्रिसमस है वो किसका फेस्टिवल है, क्रिश्चियंस का फेस्टिवल है, जो सेलिब्रेट कर जिसे सेलिब्रेट करते हैं, मतलब जो सेलिब्रेट करते हैं, क्यों करते हैं बताइए, द बर्थ ऑफ मतलब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ है ना, मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म को सेलिब्रेट करते हैं। तो द बर्थ ऑफ क्या आएगा यहाँ पे, का की जगह का की इंग्लिश ऑफ, यहाँ पे फेस्ट, ठीक है। इट इज़ सेलिब्रेटेड, ऐसे बोलते हैं ना, पूरे वर्ल्ड में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, जितना आप शब्दों को सुनेंगे, जितने सेंटेंस वर्ड्स वगैरह आप सुनेंगे, आपको उतना ही इजीली आप इनको कर पाएंगे। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, ऑल, मतलब इसे पूरे देश में मनाया जाता है। नोबडी नोज द डेट ऑफ क्राइस्ट्स, मतलब किसी को दिन नहीं पता है, किसका दिन नहीं पता है, कि जो जीसस क्राइस्ट थे उनका जन्म कब हुआ था, ये किसी को नहीं पता। तो नोबडी नोज द डेट ऑफ क्राइस्ट बर्थ, बट मोस्ट क्रिश्चियंस होल्ड द सेलिब्रेशंस, जो लेकिन जो मोस्टली जो क्रिश्चियंस हैं वो सेलिब्रेशन करते हैं कब, 25 दिसंबर पर। तो होल्ड द सेलिब्रेशंस ऑन, यहाँ क्या आएगा, ऑन दिसंबर 25। पीपल, बच्चों यहाँ पर कोई गलती नहीं है तो इसको आप ब्लैंक ही कर दीजिए। पीपल प्रेजेंट्स विद ईच अदर टू रिमाइंड द वर्ल्ड ब्लैंक जीसस वॉज गिफ्ट टू ब्लैंक वर्ल्ड, मतलब लोग एक दूसरे को ये याद दिलाते हैं, मतलब इसलिए इकट्ठे होते हैं, उपस्थित होते हैं, इसलिए उपस्थित होते हैं एक दूसरे को, मतलब पूरी दुनिया को याद दिलाने के लिए। क्या याद दिलाने के लिए, दैट कि होते ना, आई सेड दैट, मैंने कहा कि, तो पूरी दुनिया को याद दिलाने के लिए एक दूसरे के साथ वो उपस्थित होते हैं। कि तो यहाँ क्या आएगा, दैट कि जीसस वॉज अ गिफ्ट टू द ब्लैंक वर्ल्ड, मतलब जो जीसस है वो पूरी दुनिया के लिए एक उपहार है, उपहार था, ये याद करने के लिए वो एक साथ उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, गिफ्ट टू द वर्ल्ड, यहाँ क्या आएगा बच्चों, द गिफ्ट टू द वर्ल्ड। तो आपको पैसे समझ में आया। अब हमने तीन पैसेज कंप्लीट किए, तीन पैसेज में ओमिटिंग की, अब आप एक पैसेज ये वाला थर्ड नंबर का खुद करेंगे और इन चारों पैसेज को अपनी इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक में करेंगे। और ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि आपने वीडियो में से बस चीटिंग कर ली और कर लिया, समझना है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये मत सोचिए कि बस फिफ्थ क्लास के लिए ही है, आपकी हायर क्लासेस में भी आपको बहुत हेल्प करेगा ये। और एडिटिंग ओमिटिंग तो आपकी लाइफ टाइम चलेंगी, आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे उसमें ये आएंगी ज़रूर, तो इसलिए अच्छे से इनको समझना और खुद करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको समझ में नहीं आता है, यू कैन आस्क मी। ओके, चलिए तो हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, मतलब रीअरेंज, सेंटेंस को रीअरेंज करना सीखेंगे।
चलिए तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।